हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी यूज़फुल रेमेडी जो आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, स्मूथ एंड सॉफ्ट करेगी। अगर आपकी स्किन पर टैन हो गया है सन की वजह से, या आप बहुत सन में ज़्यादा काम करते हैं, तो उस टैन को भी रिमूव करेगी, पिंपल की वजह से होने वाले डार्क स्पॉट्स को भी कम करेगी। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी रेमेडी के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हुस्न यूसुफ, ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए मलेठी पाउडर, ये भी हम आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। हल्दी चाहिए आपको, चंदन पाउडर चाहिए, इसको सैंडलवुड पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद आपको चाहिए बेसन, और हम यूज़ कर रहे हैं हिमानी का रोज़ वाटर। आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बाउल, इसमें हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे बेसन। इसका आपने 2 टेबल स्पून भर के ले लेना है, 1 एंड 2, ठीक है। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 1/2 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून आपने डालनी है टर्मरिक। ये हम बनाने जा रहे हैं होममेड उपटन, तो इसके लिए ये आपने डालना है हुस्न यूसुफ 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद आप डालेंगे मलेठी पाउडर, ये भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। सब चीज़ों की क्वांटिटी 1/2 टेबल स्पून रखनी है आपने। और इसके बाद डालेंगे चंदनवुड पाउडर, ये भी हम 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। ये सब आपने डाल लिया है, अब आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। या आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, टैन हो गया है, आपकी स्किन पे किसी किस्म की भी रिंकल्स आ गए हैं, या सन डैमेज की वजह से आपकी स्किन डार्क हो गई है या डल हो गई है, उसको ब्राइट करेगी, आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है, और मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और कच्चा दूध रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, ये हिमानी का रोज़ वाटर है हमारे पास, आपने ये यूज़ कर लेना है, जिससे आपका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। हम बॉटल खोल के यूज़ कर लेते हैं, ये हमें लेना है जितने से हमारे पेस्ट स्मूथ बन जाए। आपने थोड़ा थोड़ा लेना है और पेस्ट बनाते जाना है ऐसे आपने पेस्ट बना लेना है इसको स्मूथ सा। अभी हमें और रोज़ वाटर चाहिए, 1 टेबल स्पून और ले लेते हैं हम। इसको अच्छा सा आपने पेस्ट बनाना है स्मूथ सा, कि अच्छा सा अप्लाई हो आपकी स्किन पे। इसको अच्छा सा पेस्ट आपने मिक्स कर लेना है इस तरीके से, कोई भी इसमें लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें आप इस तरीके से। 1/2 टेबल स्पून और हम ऐड कर लेंगे इसमें, अब इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे हम। ये हमारा पेस्ट देखें बन रहा है, ऐसे ही आपकी भी पेस्ट बनना चाहिए स्मूथ सा, को अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, ये आप ये पेस्ट आपका तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगी कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का एक ब्रश पेस्ट अप्लाई करने के लिए। आप इसको स्किन, बॉडी, अपने फेस पे, बॉडी पे, किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं, ये 100% नेचुरल है, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आपको डर है तो आप पहले पैच टेस्ट कर लें, कान के साइड पे या एल्बो पे पैच टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस रेमेडी को आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, मैं अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। आपने ले लेना है थोड़ा सा, और आपने अपवर्ड मोशन में, अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ऊपर की साइड पे अप्लाई करना है, नीचे से नहीं करना, इस साइड इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है, उससे आपकी स्किन लटक सकती है, लूज़ हो सकती है। तो अगर आप इस तरह अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन टाइट होगी, ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में आपने अप्लाई करना है इस तरीके से। मैं पूरे हाथ पर लगा रही हूँ, और हमेशा उपटन को लगा के आपने सर्कुलर मोशन में उतारना होता है, और जब हल्का सा ड्राई वेट हो तभी उतारें, या अगर आपका मास्क ज़्यादा ड्राई हो गया, उपटन ज़्यादा ड्राई हो गया, तो आप इसके ऊपर रोज़ वाटर का स्प्रे करके फिर सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी टैन भी रिमूव होगी, स्किन ब्राइट होगी, और आपके अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो भी उतर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप ये रेमेडी
वीकली यूज़ करें, महीने में 3 से 4 मरतबा यूज़ करें। इस तरह आपने अप्लाई कर लेनी है। ये हम अप्लाई करके अब इसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी इस हाथ का और इस हाथ का, दोनों हाथों का। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको ड्राई होने के बाद। तो ये देखें गाइस, ये अब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। अब हमने इसके ऊपर रोज़ वाटर का स्प्रे करना है, इसको थोड़ा सा वेट करके फिर आपने रिमूव करना है। इसको इसी तरह रिमूव नहीं करना, अगर आप इसी तरह इसको रिमूव करेंगे, रब करेंगे, तो आपकी स्किन पर रिंकल आने के खतरा है। तो आपने इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रब करके उतारना है, इससे आपकी जो डेड स्किन है वो भी उतरेगी, स्क्रब भी होगा आपका, और आपकी स्किन पे जितना भी डलनेस है या कुछ भी डार्क स्पॉट है वो भी रिमूव हो गया। आपने सर्कुलर मोशन में इसको मसाज ऐसे स्क्रब करते हुए उतारना है, सारा आपने इस तरह उतार लेना है इस तरीके से। आपने जब फेस पे करना है तो आपने अपवर्ड मोशन में करना है, डाउन नहीं करना, उससे आपकी स्किन सैग होने का खतरा है। तो आपने इस तरह करना है, इस तरह रिमूव करना है बिल्कुल। अब हाथ पे तो मैं इस तरह कर रही हूँ, लेकिन अगर आप स्किन पे करेंगे तो आपने सर्कुलर मोशन में करना है और ऐसे गोल, बिल्कुल ऐसे। और अगर आप पाँव पे कर रहे हैं या हाथ पे कर रहे हैं या बॉडी के किसी पार्ट पे कर रहे हैं, तो आपने सर्कुलर मोशन में या रबिंग फॉर्म में इस तरह उतारना है इस तरीके से। देखें इस तरह आपने सारा उतार लेना है, इससे आपकी सारी टैन रिमूव हो जाएगा। 2 से 4 बार करेंगे तो आपका टैन रिमूव हो जाएगा। अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं या आप चाहते हैं आपकी स्किन वाइट हो जाए, बॉडी वाइट हो जाए, बॉडी वाइटनिंग के उससे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करना है और 2 से 3 मंथ लगातार यूज़ करना है, इसका आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह आपने सारा इसको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। देखिए मैंने रिमूव कर लिया है। अब इसको आपने इस तरह का एक वेट स्पंज लेना है, उससे आपने इसको साफ़ करना है अच्छे तरीके से। अब आप धो भी सकते हैं टैप के नीचे पानी से, लेकिन मैं अब यहाँ पर टैप नहीं है तो अब मैं इस तरह रिमूव कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए अच्छे तरीके से। आपने देखें ये उतर रहा है सारा। हल्दी कोई आपकी स्किन पर स्टेन नहीं छोड़ेगी। अगर आप हल्दी की क्वांटिटी कम रखेंगे और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी 1/2 टेबल स्पून रखनी है, और आप बेसन की क्वांटिटी आपने 2 टेबल स्पून रखनी है, उससे डबल। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल या देखिए मैं अपने हाथ को बिल्कुल इसके साथ साफ़ कर लिया है, हाथ बिल्कुल साफ़ हो गया। अगर आपने आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ये रेमेडी यूज़ करें, और मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो कमेंट करिए। मैंने अपने हाथ को बिल्कुल साफ़ कर लिया है, सारा स्क्रब जो हमने उपना लगाया था वो हमारे हाथ से रिमूव हो गया, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अगर आपको 2-3 बार आप यूज़ करेंगे तो भी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।